का ट्रांजेक्शन करने के लिए हमें फास्टैग अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है, जैसा कि आपको मैंने बताया था। दोस्तों, फास्टैग ज़रूरी है क्योंकि हर किसी के फास्टैग में इतना लिमिट नहीं होता, 9000 समथिंग कुछ लिमिट होता है। तो वो लिमिट है जो आप है जो क्रॉस कर लेते हो तो फिर आप दूसरे की हेल्प नहीं कर पाओगे। जैसे मैंने काफ़ी लोगों की हेल्प कर दी, अब दोबारा कैसे हेल्प कर पाऊँ क्योंकि मेरी फास्टैग की लिमिट है जो पूरी हो चुकी है। तो आप अपना फास्टैग कार्ड कैसे है जो बना, किस प्रकार हम आपको आज है जो फास्टैग कार्ड बनाना सिखाएंगे और फास्टैग कार्ड से जो रिंग से पैसा निकाल सकते हैं वो प्रोसेस है जो आपको बताएंगे। तो मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल वन एचडी टेक। चैनल पे नए हो तो चैनल को कीजिएगा गाइस सब्सक्राइब। आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफी खास है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपना अपना फास्टैग कार्ड सभी बना लीजिए और पैसा निकालना चालू कीजिए। पिछली वीडियो का लिंक है जो मैंने आपको बताया था, पिछली वीडियो जो मैंने बनाई है उस द्वारा आप है जो अपना खुद का फास्टैग कार्ड है जो बनाकर पैसा है जो निकाल सकते हो। तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, चलिए शुरू करते हैं। का ट्रांजेक्शन करने के लिए हमें फास्टैग अकाउंट की जरूरत पड़ती है, जैसा कि आपको मैंने बताया था। दोस्तों, फास्टैग जरूरी है क्योंकि हर किसी के फास्टैग में इतना लिमिट नहीं होता, 9000 समथिंग कुछ लिमिट होता है। तो वो लिमिट है जो आप है जो क्रॉस कर लेते हो तो फिर आप दूसरे की हेल्प नहीं कर पाओगे। जैसे मैंने काफ़ी लोगों की हेल्प कर दी, अब दोबारा कैसे हेल्प कर पाऊँ क्योंकि मेरी फास्टैग की लिमिट है जो पूरी हो चुकी है। तो आप अपना फास्टैग कार्ड कैसे है जो बना सकते हैं वो आज वीडियो में मैं बताऊँगा, इसी का सोल्यूशन लेके आएंगे ताकि आप अपने खुद पेटीएम वॉलेट में है जो पैसे है जो अपने जो पैसे रिंग के हैं वो पेटीएम वॉलेट में डाल सकते हो। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी पेटीएम की। पेटीएम में क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने पेटीएम खोला तो यहाँ पे अभी क्या करना है आपको, यहाँ पे ध्यान से देखिए दोस्तों। सबसे पहले आपको यहाँ पे जो पेटीएम अपडेट नहीं है तो प्ले स्टोर से अपडेट जरूर करें, फ्री ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे सर्च करना है आपको पेटीएम पेमेंट बैंक, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पेटीएम पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक सर्च किया। पेटीएम पेमेंट बैंक पे आईडी बनाना ज़रूरी है, आपको ध्यान रखें। यदि आपका पेटीएम बैंक पहले से है तो आप भी वीडियो को शुरू से देखिए, ठीक है। पेटीएम पेमेंट बैंक यदि पहले से है आपका तो आप भी वीडियो को देखिए, फिर मैं बताता हूँ कैसे आगे प्रोसेस है जो होती है। तो यहाँ पे देखिए, तो अब ये जो लोड होना चालू हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए अभी क्या करना है आपको, यहाँ पर ध्यान से देखना है दोस्तों। अभी लोडिंग है जो हो रहा है, पेटीएम जो हमारा देख सकते हो अकाउंट है जो एक्टिव है एकदम। तो हमारा ये पेटीएम वॉलेट है, आपको भी अपना पेटीएम है वॉलेट है जो क्रिएट कर लेना है, ठीक है। पेटीएम वॉलेट आसानी से मिल जाता है आपको, यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा अकाउंट बनाने का, तो अकाउंट बनवा सकते हो, किसी से भी आपके अकाउंट है जो बनवा सकते हो, दोस्त वगैरह बना देंगे आपके, ठीक है। तो पेटीएम पेमेंट बैंक का अकाउंट जैसे ही बन जाएगा, इसका कोई चार्ज नहीं होता, फ्री में बनता है पेटीएम पेमेंट अकाउंट, पेमेंट बैंक अकाउंट, ये सिर्फ एक मिनट में बन जाता है और आपका कार्ड भी बन जाता है एक मिनट में। तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब आपको जब यदि फर्स्ट टाइम आप फास्टैग कार्ड बना रहे हो या पहले से आपके पास फास्टैग कार्ड है, यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना ही फास्टैग कार्ड दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, पेटीएम पेमेंट बैलेंस में गया तो यहाँ पर देखिए मेरा फास्टैग कार्ड है एक, और यहाँ पर देख सकते हो 250 रुपये इसके अंदर सिक्योरिटी फीस है जो इनकी पड़ी हुई है। तो यहाँ पे देख सकते हो 250 रुपये मेरे है जो पड़े हुए हैं और एक नंबर है जो एक्टिव है, एक को मैंने है जो क्लोज कर दिया, और बताऊंगा क्यों क्लोज किया वो भी सारा रीज़न बताऊंगा, क्योंकि इसमें लिमिट है जो पूरी हो चुकी है। अब है जो अभी देखो यहाँ पे है जो अब अपने जो वॉलेट, जैसे अपने वॉलेट से पैसे कटाने पड़ते हैं 350 रुपये समथिंग लगता है, आप पेटीएम है जो फास्टैग ले सकते हो, पेटीएम बैंक का फास्टैग है जो ले सकते हो। सबसे पहले सर्च में गए, सर्च में लिखना है आपको फास्टैग, सीधा सर्च में लिख देना है फास्टैग लिख देना है, ठीक है। फास्टैग जैसे ही लिखोगे आपको उसको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे टेढ़े मेढ़े ऑप्शन दिखेंगे, बाय डाई फास्टैग, बाय डाई फास्टैग पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पे देखिए बाय डाई फास्टैग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक इंटरफेस है जो खुल के आपके सामने आएगा, यहाँ पे देख लीजिए, ये इंटरफेस है। आपको फोर व्हीलर का ही आप है जो ले सकते हो, टू व्हीलर का नहीं चलेगा, फोर व्हीलर का। आपको क्या करना है, इस पर प्रोमो कोड लगा लीजिए, यदि आप लकी विनर रहे तो आपको 500 रुपये तक 100% कैशबैक भी मिल सकता है, क्योंकि इसमें काफ़ी जने पार्टिसिपेट काफ़ी जने होते हैं तो आपको मिलने का चांस
कम ही होता है वैसे तो, बाकी मिल जाए तो बढ़िया है। तो यहाँ पे देखिए 350 रुपये फीस होती है फास्टैग की, 8 घंटे में बनके फास्टैग आपका रेडी हो जाता है और 8 घंटे में आपका एक्टिव है जो वॉलेट के साथ जुड़ जाता है पेटीएम पेमेंट बैंक के साथ। यदि आप रिंग से पैसा निकालोगे तो वो सीधा पेटीएम वॉलेट में आएगा, यदि आपने बैंक वाला फास्टैग बना रखा है तो बैंक में जाएगा वो पैसा, आपके हाथ में नहीं आने वाला और आप उसको निकाल भी नहीं सकते। निकाल सकते हो तो कैसे निकाल सकते हो, वो जब आप क्लोज करोगे उसको फास्टैग को तब आपका वो पैसा बाहर आएगा। तो यहाँ पे देखिए अभी क्या करना है, यहाँ पे मैंने अपना एड्रेस है जो फिलअप करके रखा हुआ है, यहाँ पे सारा कुछ, यहाँ पे देखिए मेरे पास एड्रेस पहले से ही आ रहा है और मेरे पास बाय नाउ का ऑप्शन आ रहा है, आपके पास बाय नाउ का ऑप्शन नहीं आएगा। आपको मैं बताता हूँ कौन सा ऑप्शन आएगा, क्योंकि मेरे पास तो पहले से मैंने एक्टिव कर रखा है एक फास्टैग कार्ड, यदि आपने पहले से एक्टिव कर रखा है वहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यदि आपको पहले से एक्टिव नहीं कर रखा है आपने फास्टैग कार्ड तो आपको मैं बताता हूँ आपको कौन सा ऑप्शन देखने को मिलेगा। यदि किसी ने पहले से कर रखा है तो अपना वो पेटीएम फास्टैग में आ जाए और बाय न्यू फास्टैग से लें नया फास्टैग, एक पेटीएम वॉलेट में 5 फास्टैग आप जोड़ सकते हो, 5 फास्टैग जोड़ सकते हो अपने गाड़ी के। तो यहाँ पे देखिए अब आपको क्या करना है, ये ऑप्शन मिलेगा आपको, वहाँ पे क्लिक किया था ना आपने बाय डाई पे क्लिक करोगे तब आपको तो ये ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि आपके पास फास्टैग कार्ड है नहीं, तो मेरे को ये ऑप्शन यहाँ से मिलेगा वॉलेट से, क्योंकि मेरे पास एक फास्टैग कार्ड पहले से है। अब क्या करना है, पेटीएम फास्टैग कार्ड यानी फोर व्हीलर का मिलेगा आपके घर में या कोई भी गाड़ी है या आपके दोस्त की गाड़ी है जिसका फास्टैग नहीं बना हुआ है तो उसकी हेल्प लें थोड़ी और उसको बोलें भाई मैं फास्टैग बैलेंस निकालने के लिए बना रहा हूँ, और उसकी ऐसे बंदे की गाड़ी का नंबर लेना आप जो गाड़ी टूल टैक्स पे ना जाती हो, मतलब टूल टैक्स पे ना जाए पैसा ना कटवाए, वो उसी गाड़ी का लेना जो घर पे खड़ी हो ऐसे ही, तो वो लोकल में यूज होती है, तो वो गाड़ी आप लेना, उसकी गाड़ी के नंबर लगाना, अपने दोस्त की ले लेना, किसी की भी गाड़ी नंबर लगाना, यहाँ पे आपको गाड़ी नंबर डालना है, बस अपने दोस्त की पूछ लेना गाड़ी नंबर डालना है, गाड़ी नंबर के डालने के बाद यहाँ पे फ्रंट फ़ोटो आरसी की अपलोड करनी है, फ्रंट फ़ोटो और बैक फ़ोटो आरसी की अपलोड करनी है, 2 फ़ोटो अपलोड कर सकते हो यहाँ पे आपको, लेकिन एक चीज़ बता दूँ ये फ़ोटोज़ चेक नहीं होती, आप चाहे तो कुछ भी इसमें अपलोड कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करता कि यहाँ पे आप आरसी ही अपलोड करें। तो यहाँ पे आपको व्हीकल नंबर मांगेगा, व्हीकल नंबर मांगने के बाद जो भी आपके गाड़ी का फोर व्हीलर का जो चार पहिए वाली गाड़ी होती है उसका नंबर डालोगे आप, यहाँ पे गाड़ी नंबर डाल दिया जैसे कोई भी XYZ गाड़ी नंबर, ठीक है, आपने जो गाड़ी नंबर डाल दिया, गाड़ी नंबर डालने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपलोड फ़ोटो डाल देनी है आरसी की, आरसी की बैक फ़ोटो डाल देनी है, बैक फ़ोटो डालने के बाद इस पे आप कूपन कोड भी ले सकते हो सिलेक्ट करके, कि क्या पता आप जब पे करो तो आपको वापस है जो कुछ मिल जाए, तो वो लकी यूजर को ही मिलता है आपको पता है। टोटल आपको 350 रुपये देने हैं और यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करना है, बाय नाउ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आगे ऑप्शन है जो पे करने का आ जाएगा, आपको पेटीएम वॉलेट में पैसा रखना है 350 लगभग, तो वो पैसा आपको कटा देना है। आपको अब ध्यान दें कि आपके 250 रुपये तो आपके पेटीएम वॉलेट में ही रहेंगे, फास्टैग वॉलेट में ही रहेंगे, सिक्योरिटी फीस के तौर पे जमा रहेंगे, तो यहाँ से ऑर्डर कर देना, जैसे ही ऑर्डर हो जाएगा आपके पास नोटिफिकेशन है जो आ जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ कैसा नोटिफिकेशन आएगा। लेकिन अभी आप देखिए ये जो RG जो 13 एक्टिव है, यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे RG07 एक्टिव है, इस प्रकार है जो आपका फास्टैग है जो बन के आ जाएगा। और आपको बता दूँ यदि आपने यहाँ से बाय न्यू फास्टैग कर लिया है, तो बाय खरीद लिया है फास्टैग, तो आपका फास्टैग सिक्योरिटी बैलेंस यहाँ पे शो करेगा 250 रुपये, 250 रुपये ये वापस कैसे आपको लेने हैं, जब भी आपके फास्टैग की लिमिट पूरी हो जाए आप फिर फास्टैग में पैसा ट्रांसफ़र ना कर पाओ, एरर आ रहा हो, तो आप बैंक जाना है, बैंक जाने के बाद मैं एक वो नंबर बताऊँगा जिससे आप फास्टैग अकाउंट क्लोज कर सकते हो, लेकिन अभी तो आपको बनाना है लेकिन क्लोज करना नहीं सिखा रहा। तो यहाँ पे क्या करना है, जैसे ही मैंने रात क्लोज किया था, यहाँ पे देखिए फास्टैग अकाउंट है मेरा 250 रुपये पड़े हुए हैं, 2 अकाउंट थे मैंने एक क्लोज कर दिया, आपको आपने देखा होगा, ये देखिए आपको मैं दिखा देता हूँ थोड़ा, यहाँ पे देख लीजिए पहले और मैं सारी प्रोसेस आपको लाइन वाइज समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये फास्टैग है, यहाँ पे एक कार्ड है जो मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया है ऑलरेडी, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देखिए क्लोज मैंने रात ही क्लोज किया इसको, तो यहाँ पे देखिए क्योंकि इसका लिमिट है जो पूरा हो चुका है और कोई मेरे पास फास्टैग कार्ड है नहीं जिसकी लिमिट पड़ी हो, तो यहाँ पे जिसे ही नीचे जाएंगे, नीचे जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हो ट्रांसफ़र टू पेटीएम वॉलेट 250 रुपये, 8:23 पे यस्टरडे बीते हुए कल को 8:00 आ गए थे, ये देखिए 250 रुपये क्लोजिंग अकाउंट से फास्टैग से मुझे प्राप्त है जो हो गए थे पेटीएम वॉलेट में, इसको मैंने बैंक में है जो फिर ट्रांसफ़र कर लिया था, ये देखिए यहाँ से
बैंक में जो डाल चुका हूँ इसको। अब दोस्तों मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको, ये तो हो गया फास्टैग में पैसा क्लोज करेंगे तब वापस मिल जाएगा, जिसका बैंक जुड़ा हुआ है उसको भी और जिसका वॉलेट जुड़ा है उसको भी। यदि जिसका वॉलेट जुड़ा है पेटीएम पेमेंट बैंक वाला, उसको तो आते आते वॉलेट में वो भी निकाल भी सकता है पैसे। तो यहाँ पे फास्टैग है जो आपका ऑर्डर हो जाएगा, जैसा कि मैंने बताया वाईकन नंबर वगैरह डाल के यहाँ से 350 रुपये लगेंगे, 250 रुपये आपके खाते में आ जाएंगे, मतलब पेटीएम फास्टैग खाते में आ जाएंगे। जब आप क्लोज करोगे खाता वो तब वापस आ जाएंगे आपके पैसे, जब तक चलता है उसमें 250 रुपये जमा रहेंगे आपके, और 250 रुपये जो जमा रहेंगे इस प्रकार जो ऑर्डर होगा 8 घंटे में आपको क्या करेगा, यहाँ पे आपको बैलेंस में जाना है। बैलेंस में जाने के बाद 24 घंटे लगते हैं वैसे, 8 घंटे में आ जाता है। यहाँ पे पेटीएम बैलेंस में जाओगे तो यहाँ पे आपको फास्टैग का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस प्रकार आप क्लिक करोगे तो आपका ऐसे वॉलेट का डैशबोर्ड अपने आप बन जाएगा। ये पेटीएम वॉलेट से ही लिंक होता है, ऑटोमेटिक लिंक होता है, आपको लिंक करने की ज़रूरत नहीं है पेटीएम वॉलेट से। आपको फिर यहाँ पर जाना है, यहाँ पर देखिए मैसेज बॉक्स में जब आप ऑर्डर दोगे तो यहाँ पे आपका पता चल जाएगा कि आपने फास्टैग से, यहाँ पे मैंने तो क्लोज कर रखा था एक और एक यहाँ पे लिया था, यहाँ पे देखिए मैंने लिया था, जब यहाँ पे देखिए कितने मेरे पास घर पे भी आ चुके हैं फास्टैग बन के, मतलब आपके एड्रेस पे भी जो एड्रेस डालोगे वहाँ पे आपका फास्टैग कार्ड है जो बन के आ जाएगा। यहाँ पे देखिए फास्टैग कार्ड है जो मेरे को शिप हो चुका है, मैं दिखा देता हूँ स्क्रीन पे, देख लीजिए साइड में फास्टैग कार्ड आ चुके हैं मेरे पेटीएम मॉल से। तो इस प्रकार है जो आपके फास्टैग कार्ड भी एक्टिव हो जाएगा वॉलेट में। और ध्यान रहे जब आप क्लोज करोगे फास्टैग कार्ड तो आपके पास फास्टैग कार्ड फिजिकली भी होना चाहिए, क्योंकि आपके ऑर्डर पे जो डिलीवर होगा उसे ज़रूर ले लें आप। और इस प्रकार आप फास्टैग कार्ड है जो आप बना सकते हो यहाँ से। जैसे ही आपका फास्टैग कार्ड रेडी हो जाएगा फिर आपने, मैंने एक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जो आई बटन में लिंक शो हो रहा है उसमें आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने बताया कि फास्टैग से पैसे है जो कैसे निकाले, रिसेंटली वीडियो बनाई है उससे आप अपना फास्टैग बनाकर भी पैसे है जो निकाल सकते हो। तो आप कैसी लगी वीडियो, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह अपडेट है जो मैं देता रहूँगा, और आपको फास्टैग बनाना तो सिखा ही दिया है, खुद फास्टैग बनाओ और खुद पैसा निकालो, क्योंकि हर कोई बंदे की लिमिट फास्टैग में नहीं होती इतनी, क्योंकि फास्टैग टोल टैक्स से इतना पैसा नहीं कटता। आप भी जानते हो कि फास्टैग में 9900 इतनी लिमिट मिलती है, और वो सारी यूज कर लोगे तो आपको भाई दोबारा कौन देगा लिमिट, दोबारा नहीं मिलती, महीने बाद मिलती है, फिर भी कम मिलती है। तो इसी प्रकार दोस्तों चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और भी अपडेट है जो देता रहूँगा, और रिंग के पैसे आप निकालते रहिए फास्टैग से। यही था आज का अपडेट, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।